जो मोदी जी ने अभी जो एक डिमोनेटाइजेशन किया है, 500,000 रुपए का नोट बंद कर दिया है, आप पे कैसे असर हो रहा है? देखिए, ये काला धन के बारे में तो मोदी जी ने कहा, लेकिन बड़े लोगों को कुछ नहीं असर हो रहा है। असर हो रहा है जैसे छोटे लोगों को। अभी मैं सुबह जाके ATM में खड़ा था, कम से कम आधा घंटे के बाद देखा कैश बंद हो गया। ये तो बड़े लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, छोटे लोगों को काला धन बोल के सफ़ेद धन वाले को सबसे तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो मेरा ख्याल से ये जो मोदी जी ने जो सोच रहा है उससे उल्टा हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है काला धन पे, सब सफ़ेद धन पे ही तकलीफ हो रही है। आप कितने घंटे रहे लाइन में? मैं तो 40 मिनट्स था, तो देखा मैं 50-60 लोग ATM का लाइन पे खड़ा था। जब मैं पास गया तो देखा कैश बंद हो गया, फिर मेरा पीछे तो 60-70 लोग था, सब फिर रिटर्न आ गया। हमारा बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हो गया है, बैन हो गया ना, हमारा पैसा कस्टमर का पास भी नहीं है, हमारा पास भी नहीं है, सिगरेट से लेने के लिए सब मुश्किल हो रहा है। और लोग आपके पास चेंज के लिए आ रहे हो तो आप दे पा रहे हो? हमारा पास चेंज है ना, उसके लिए देने के लिए नहीं होता। तो बिजनेस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? बहुत कम हो गया, अभी बिजनेस नहीं। सुबह से बैठे हैं, खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आना सुबह दुकान खोल के फिर वापस ऐसे जाना है, एक भी सेल्स नहीं हो रहा है, बेजार हो गया है। कैसा चलता था बिजनेस, अब कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है। 100 रुपये तो अभी एक्टिव है, 100 रुपये तो अभी ये कर सकते हो, फिर एक्टिव है थोड़ी ना लेके आते हैं 100 रुपये, 500,000 ही लेके आते हैं चेंज, जो छुट्टा जो मांगते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो होता कैश नहीं होता इसीलिए। और आपके पर्सनल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हमारे घर में कुछ भी नहीं चल रहा है, खाना नहीं पक रहा है सीधा, पैसा नहीं है, कमा के लेके जाए तो पैसा है, सुबह से जब ले के रहते हैं शाम के घर में के लिए बहुत तकलीफ हो रही है घर में। तो आपको लगता है ये आगे जाके कुछ मदद कर सकता है? नहीं करेगा। The recent ban that has happened on 1,500 rupee notes. So medicine shops are the only ones who are still accepting the amount. So how is it impacting your business? Is it impacting at all? No, madam, it's not possible. But if they purchase for 350 or 400 rupees, we'll accept the 500 and 1,000 rupees note. For 1,000 rupees note, we'll accept around 800 they have to purchase per customer. So it's very difficult and trouble, madam, for customers. And how difficult is it you for your business? We'll not get 100 change, so we are not able to take 500,000, so it's very difficult for us, madam. Is the business going down because of this ban? Yeah, madam, so it's very loss for us. And do you feel this will help in future? Maybe, no idea, so. So will it impact your business in future? Yeah, madam, surely. But then 2,000 rupee notes are coming in, right? So do you feel that will help ease down the tension that is there right now? Yeah, but we don't have change 100s and 500s notes, so we can't take that 2,000 note. We are not, it's not helping for us. हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जितना मामूली होता है ऐसा हो रहा है बिजनेस मैडम जी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, जे भी किया हो अच्छे किए होंगे आप। तो आपको लग रहा है ये जो मोदी जी ने किया ये आगे जाके अच्छा करेगा? हाँ, अच्छा ही होगा मैडम। अभी तो ये जो लंबा लाइन लग रहा है, लोगों के पास नोट नहीं है, तो आपको ऐसे कुछ दिक्कत हो रही है? अभी तो थोड़ा दिक्कत है, आगे जाके अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैडम जी। आप खुश हो इस चेंज से? खुश है मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ठीक है मैम, अभी करने वाला अच्छा काम तो मोदी करा, वो क्या बोलता मतलब ये गरीबी लोग को अच्छा हो गया, बड़े सभी बड़ा लोग छोटा लोग सभी एक ही करा, वो अच्छा हो गया माँ, ये तो बढ़िया बात। आपके व्यापार पे कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है? परवा नहीं, ये एक महीने दो महीने तो ऐसे चलता परवा नहीं, वो ठीक है, वो जाने तो टाइम सही हो जाएगा, सभी बढ़िया हो जाएगा। तो लोग आते हैं आपके पास 500,000 लेके? आते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट में करके दे रहे माँ, अभी तो परवा नहीं, अभी भी अच्छे काम करा इसलिए हम बड़ा होने के लिए मौका मिला। दिस वॉज द बैंगलोर जनता स्पीकिंग इट्स हार्ट आउट ऑन व्हाट इट फील्स अबाउट द डीमोनेटाइजेशन मार्च। वाइल फॉर फ्यू दिस हैज बीन अ वेरी डिसरप्टिव मूव, others are still hopeful of a probable change that this could bring about in the Indian economy, distribution of money, and a possible change in the overall life of commoners. Let's hope for the best.